यूनिवर्सिटी में लगी कैलाश सत्यार्थी की क्लास, नोबेल पुरस्कार विजेता सत्यार्थी के सत्य वचन, कैलाश सिखा गए जीने का नया अंदाज, सत्यार्थी ने युवाओं में भरा जोश, स्टूडेंट्स को दिए सफलता के मंत्र, बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी शनिवार को इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और फैकल्टी से रूबरू हुए। खंडवा रोड स्थित यूनिवर्सिटी के सभागार में लगी स्पेशल क्लास में कैलाश सत्यार्थी ने लाइफ मैनेजमेंट से जुड़े कई ऐसे वाकये सुनाए जिसे सुनकर स्टूडेंट्स और फैकल्टीज में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुलपति डॉक्टर जीपी सिंह, रजिस्ट्रार आरडी मुसलगांवकर और कार्य परिषद के सदस्यों ने कैलाश सत्यार्थी और उनकी पत्नी सुमेधा का सम्मान किया। बाल श्रम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले कैलाश सत्यार्थी ने बेहद ही सरल और सहज अंदाज में अपने उद्बोधन की शुरुआत की। इस दौरान सत्यार्थी का मालवा के प्रति गहरा प्रेम भी जाहिर हुआ। कैलाश सत्यार्थी का मालवा से है गहरा नाता। मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी तन गंभीर, फिर यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ की परंपराएं और यहाँ की नमकीन भुजिया कचौड़ी पोहा सब मुझे याद रहते हैं। दुनिया में मैं कहीं भी रहूं, दिल्ली में रह रहा हूँ इतने साल से, लेकिन अब भी मैं कोशिश करता हूँ कि नाश्ते में पोहा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और दिल्ली में पोहा अच्छा मिलता नहीं है, इसलिए सुमेधा जी विदिशा से पोहा मंगाती और इंदौर का नमकीन मंगाते हैं, उससे बढ़कर नमकीन सारी दुनिया में कहीं नहीं होता। कैलाश सत्यार्थी ने सुनाए कॉलेज के दिनों के किस्से। मेरा संचालन कर रहा था आपकी तरह तो, लेकिन उस संचालन से पहले हमारे जो कैप साहब थे उनकी एक आदत थी कि वो जब तक उनको दो चार बोतलें, ये पानी की बोतलें नहीं ये सच्ची पानी है देख लो लेकिन किसी और चीज की बोतलें जब तक वो ना पी लें उनके हाथ पांव झेलते थे। तो वो मंच के पीछे जो हमारे बच्चे ये बैठे हैं ना, कल्पना करो कि कुछ बच्चे वहां बैठे थे, हमारे लड़कियां उस समय नहीं पढ़ती थी, एक ही लड़की थी हमारे कॉलेज में वो कहानी भी सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा। तो वो लड़के और अध्यापक भी थे दो चार पीछे। अब कैप साहब जो है बार 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 पिए जाए थे बोतल रुढ़ेली, बोतल खाली होने से पहले उनके पेट में चली जाती थी। तो इतने नशे में आ गए कि उनको लाया गया, लोगों ने कभी कैलाश जी आप थोड़े से स्मार्ट हैं, आप ले आओ उन्हें अंदर। तो मैं उनको पकड़ के और एक दो साथियों के साथ लाया मंच पर। वो ऐसे ऐसे हिल डुल रहे हैं, वो एक्टिंग नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैंने कहा कि आज मंजर इतना कैप गोपाली साहब पाकीजा के जो गीत उन्होंने लिखे हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं, एक गीत सुनाएंगे। तो वो इधर उधर ऐसे उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा मुझे पकड़े रहे जब तक, मैं उनको बैठा दिया और मुझे पकड़े रहे और बड़े गुस्से में मेरी तरफ देख के पकड़े हुए मेरा कुर्ता, उन्होंने गाना शुरू किया, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। मेरा कुर्ता तो छोड़िए, नहीं इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, अब जनता तुम्हारी तरह तालियां बजा रही है, खुश हो रही है और मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा हुजूर मैंने नहीं लिया आपका दुपट्टा, आप अच्छे खासे, नहीं इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा। कैलाश ने सिखाया जीने का नया अंदाज। मैं शांति पुरस्कार लेने गया,
बहुत भावों से भरा हुआ था। मुझे पूरे भारत की गली कुचियां, गरीब लोग, दबे कुचले पिछड़े लोग, मेरे नौजवान जिनके माता पिता बहुत पैसा खर्च करते हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर, बहुत सपने देखते हैं, लेकिन जब वो बड़े होकर यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलते हैं तो ऐसे दोराहे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं कि नौकरी, अच्छी नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकर खाने के बाद भी जब घर लौटते हैं और माँ और बाप इंतजार करते हैं कि आज बेटा अपॉइंटमेंट लेटर लेके आएगा, और अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आता, दो दो तीन तीन जगह साक्षात्कार देने के बावजूद, तो वो बेटा नौजवान अपने माँ और बाप से आंखें छुड़ा के कोशिश करता है कि कैसे अपने कमरे में घुस के चुपचाप बेडरूम में सो जाए। मैं सब अपनी आंखों के सामने वो देखा। मेरे कदम जब उसकी तरफ जा रहे थे नोबेल पुरस्कार की तरफ, तो मुझे याद आ रहे थे कि काश महात्मा गांधी को ये मिलता। महात्मा गांधी वहां बैठते, उनका नाम भी 6 बार आया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई जब तक उन्हें पुरस्कार मिलता। इसके बाद भी कई भारतीयों का चला। तो इन्हीं भावनाओं में मैं बोलते बोलते, मुझे आदत भी नहीं थी, मैं अपना कागज मेरा खो गया, मैं भूल गया मैं कागज बीच में, आप लोग देख रहे होंगे तो देखा होगा मेरा वो नोट्स भूल गया। तो मैंने कहा कि भैया नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि विजेता अपना स्पीच, अपने नोट्स भूल गया हो। चलो ये भी एक नई घटना हो रही है इतिहास में। तो लोग अपना उत्साह में ताली बजा दिए। तो मुझे मैं लोग तो खुश हो रहे थे, खड़े हो गए सम्मान में। मैं बोलता रहा और अचानक मुझे एक बचपन की कहानी याद आ गई, बचपन में पढ़ी थी मैं। एक बार जंगल में बहुत आग लगी, सब लोग इधर उधर भागे जान बचाने के लिए, शेर भी भागा जंगल का राजा। तो शेर ने अचानक देखा कि एक चिड़िया आग की तरफ भाग रही है, लपटों की तरफ भाग रही है। शेर को हैरानी हुई कि आत्महत्या करने क्यों जा रही है। शेर जंगल का राजा था, उसने हिम्मत करके पूछा, भाग तो रहा था वो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन रोक के पूछा, चिड़िया तुम कहां जा रही हो, जल जाओगी। चिड़िया बोली, नहीं मैं आग बुझाने के लिए जा रही हूं। आग बुझाने के लिए जा रही हो, तुम कैसे बुझा पाओगी। चिड़िया गर्व के साथ बोली कि मेरी चोंच के नीचे पानी में रखी एक बूंद को देखो, मैं अपना काम पूरा कर रही हूं और कोई करे ना करे, मैं इस जंगल में पैदा होकर बड़ी हुई, मैं इस आग को बुझा कर ही दम लूंगी, मैं अपना काम पूरा करूंगी, आप लोग करे ना करें। यूनिवर्सिटी फैकल्टी को बताया नया फॉर्मूला। लेकिन आप तो एजुकेशन, एथिक्स, एम्प्लॉयबिलिटी, एक्सेलेंस सब ला सकते हैं एक साथ, तो ये हमारे भविष्य का एक सपना होना चाहिए। 5V फॉर्मूला, नॉट जस्ट एक्सेलेंस, एक्सेलेंस विद एथिक्स, एजुकेशन विद एथिक्स एंड एक्सेलेंस एंड ऑल दीज फाइव। मित्रों, ये सब चीजें तब आती हैं जब थोड़ा सा हम अपने अंदर का आत्मविश्वास लेते हैं। स्टूडेंट्स को पसंद आया कैलाश का 3D फॉर्मूला। तो 3D का जमाना, तो मैं आपको एक 3D फॉर्मूला देता हूं, ठीक है? आपको 3D में जाना है कि आप वो पुराने डी में रहना चाहते हैं, 8D में? धीरे बोलते हो आप, हम लोग क्या क्या दोस्ती आपके हमारे है? एक तो शादी कराने का मैंने लालच दे दी अंदर जाती विवाह का, इसके बाद भी धीरे बोल रहे हो। 3D को पकड़ो। द फर्स्ट डी इज ड्रीम, पहला डी है ड्रीम, दूसरा डी है डिस्कवर, और तीसरा डी है डू। डू, ड्रीम बिग। अरे सपना ही देखना है तो छोटा मोटा क्या देखना। आप बीए में पढ़ रहे हो, एमए में पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि
टीचर बन जाएं, लेक्चर बन जाएं। अरे लेक्चर बनने का सपना क्यों देख रहे हो आप? कुलपति बनने का सपना देख रहे हो? और कुलपति जी कोई सपना देखना है तो राष्ट्रपति बनने का सपना देखना। बुराई क्या है? वो ताली बजानी है, देखो उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया। खूब बड़े सपने देखे, लेकिन बड़े सपने सिर्फ अपने लिए देखने वाले बहुत छोटे लोग। यूनिवर्सिटी में नोबेल पुरस्कार विजेता की ये क्लास हर मायने में सबसे खास रही। इस क्लास में कैलाश सत्यार्थी ने जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत का फॉर्मूला भी बताया और उनके सीधे और सटीक फॉर्मूले स्टूडेंट्स पर भी गहरी छाप छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।